हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड चैप्टर नंबर 18 विच इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पार्ट वन की क्विक रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो है उसके एग्जांपल थे ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, CSF, साइनोवियल फ्लूइड, मोस्ट या मैक्सिमम कैटायन जो है ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का जो है वो कौन सा था, सोडियम, और ICF इंट्रा सेलुलर का था पोटेशियम। उसके बाद हमने ब्लड की बात की। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब जिसको हम फोर्स कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें फाइबर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है बॉडी का और उसका जो pH है वो 7.4 होता है। बाय वेट अगर बात करें तो 7 से 8% जो है बॉडी वेट का होता है। बाय वॉल्यूम 5 to 6 liter मेल में और 4 to 5 फीमेल में। फीमेल में कम क्यों होता है, क्योंकि हर मंथ उनका जो है ब्लड का लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। फिर हमने प्लाज्मा की बात की। प्लाज्मा जो है 55% ऑफ ब्लड होता है, ग्राउंड सब्सटेंस ब्लड का इसे कहते हैं। और प्लाज्मा 90 to 92% जो है वाटर कंसिस्ट करता है, जबकि 6 to 8% प्रोटीन। प्रोटीन जो है 3 components में डिवाइडेड होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट अबंडेंट होता है, 54%, ठीक है। ऑस्मोटिक बैलेंस में एल्ब्यूमिन मदद करता है, जबकि हाँ, और स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन भी हमारा एल्ब्यूमिन होता है। जबकि बात करें ग्लोबुलिन की, 28% ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। फिब्रिनोजन क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में होता है। फिर बात करें कि ये जो सारे प्लाज्मा प्रोटीन है ये लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबिन। जो ग्लोबिन प्रोटीन हमने पढ़ा वो अल्फा बीटा गामा 3 में डिवाइडेड होता है। जो गामा ग्लोबिन होता है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो हार्मोन्स हैं और यूरिया वो भी ब्लड प्लाज्मा ही ट्रांसपोर्ट करता है टारगेटेड टिश्यू तक। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स सीरम कहते हैं। उसके बाद जो है एक हेपरिन नाम का नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमने पढ़ा था, जो प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स में कोगुलेशन। आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट की बात करें तो सोडियम सिट्रेट या फिर सोडियम ऑक्सलेट। फिर प्लाज्मा की बात कर, मतलब ये फिर हमने जो है फोम्ड एलिमेंट्स की बात की थी। फोम्ड एलिमेंट्स जो है अरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स में डिवाइडेड होता है। अरिथ्रोसाइट हमारे RBC, ल्यूकोसाइट WBC होते हैं और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स होती हैं। और 99% जो फोम्ड एलिमेंट्स का वो अरिथ्रोसाइट यानी RBC बनाता है और 1% जो है WBC और प्लेटलेट्स। न्यूक्लियस अरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स में एब्सेंट होता है, यानी RBC और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, WBC में होता है। नंबर जो होता है वो 5 to 5.5 million जो RBC का होता है, 6,000 to 8,000 ल्यूकोसाइट का और 1.5 lakh to 3.5 lakh जो है प्लेटलेट्स का। लाइफ स्पेन की बात करें अरिथ्रोसाइट RBC की 120 दिन होती है। उसके बाद जो है अरिथ्रोसाइट RBC जो है हमारी मोस्ट अबंडेंट ब्लड कॉर्पस्कल थी, हाँ, क्योंकि कितना 99% वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का बना रही है। ग्लाइकोलाइसिस वहां होती है क्योंकि उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ER एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट तो मतलब क्रैब साइकिल वहां नहीं हो रही, तो क्रैब साइकिल यानी वहां पे ऑक्सीजन का जो है यूटिलाइजेशन नहीं होता, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। RBC एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम नाम एंजाइम को जो है कंटेन करता है। जिंक कंटेनिंग होता है, CO2 के ट्रांसपोर्ट में जो ये यूज आता है। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है हर 100 milliliter ऑफ ब्लड में। जो फिर बात करें हमारे एंटीजन जो होते हैं वो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो RBC है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में, ग्रेवयार्ड इन RBC जिसे हम कहते हैं। और RBC के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोएसिस कहते थे। बात करें कि जो RBC है वो कहाँ फॉर्म्ड होता है, रेड बोन मैरो में, जो हर एक लॉन्ग बोन के एंड में फॉर्म होता है।
मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी होती है विटामिन B12 फोलिक एसिड के प्रेजेंस में, 0.9% एनएसीएल सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है आरबीसी में। उसके बाद अगर जो है नॉर्मल से आरबीसी का नंबर कम हो से हम उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ल्यूकोसाइट यानी WBC कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये दो प्रकार के होते हैं ग्रेनुलोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो है वो भी फर्दर तीन में डिवाइडेड है, एसिडोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट दो में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लार्जेस्ट जो है WBC वो कौन सा था, मोनोसाइट। स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट। मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, न्यूट्रोफिल्स यानी 60-65% ऑफ WBC। और लीस्ट है बेसोफिल्स यानी न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, बेसोफिल सबसे कम, लार्जेस्ट मोनोसाइट और स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट। मोस्ट एक्टिव न्यूट्रोफिल्स, फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। नेक्स्ट बात करें एसिडोफिल्स यानी एसिडोफिल्स की, जिसे हम ओसिनोफिल्स भी कहते हैं। बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है, इन्फेक्शन को रजिस्ट करता है, एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। बेसोफिल्स की बात करें वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सेरोटोनिन हिस्टामिन हेपरिन जो एक एंटी नेचुरल कोगुलेंट है उसको सिक्रीट करते हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो वो उनका फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं, मोस्ट एक्टिव और मोटाइल WBC होते हैं। मोनोसाइट की बात करें लार्जेस्ट WBC हैं और टिश्यूज में जो है ये चेंज हो जाते हैं मैक्रोफेजिस में क्योंकि इनका फेगोसाइटिक नेचर है। लिम्फोसाइट की बात करें इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात करते हैं कि लिम्फोसाइट भी दो टाइप के थे, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होता हमारा एंटीबॉडीड मीडिएटेड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट जो है सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स की बात करें 1.5 लाख से 3.5 लाख जो है प्लेटलेट्स ये कंटेन करता है और ये सेल्फ फ्रेगमेंट होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स के। हमारे रेड बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं जो रप्चर होकर प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्लेटलेट मदद करते हैं ब्लड कोगुलेशन में। डेंगू फीवर जब हमें होता है उस दौरान हमारे जो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। चार ब्लड ग्रुप हमने पढ़े थे AB और O। O जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। एरिथ्रो ब्लास्टोसिस में जो हमने क्या पढ़ा था कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और फिटस का पॉजिटिव हो तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान जो है आरएच एंटीबॉडी जो मदर की बॉडी में बना वो आरएच एंटीजन जो बच्चे की आरबीसी में लगे होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से डेथ, जॉन्डिस या फिर अपनी को ये एनीमिया ये हो सकता है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है एंटीआरएच एंटीबॉडीज जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं आरएच एंटीजन के उसको इफेक्ट को। ब्लड कोगुलेशन डैमेज प्लेटलेट और डैमेज टिश्यू के द्वारा होती है। प्रोथ्रोम्बिन जो है थ्रोम्बिन बनाता है एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में। थ्रोम्बिन फिर फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिनोजन एट द एंड फिब्रिन में। लिम्फ की हमने बात की थी, क्लोटिंग कैपेसिटी होती है, आरबीसी प्लेटलेट अब्सेंट होती है, WBC होती है लेकिन लेस देन ब्लड, ब्लड में जितनी WBC है उससे कम अमाउंट में WBC लिम्फ में होती है। और वो जब हमारा ब्लड जो है टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है उसके बाद वो कैपिलरी में जाके वो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन जाता है। लिम्फ जो है प्लाज्मा प्लस WBC का कॉम्बिनेशन है। और सीरम, हाँ सीरम हमने पढ़ा था जिसमें प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर ना हो। फिर बात करते हैं कि कुछ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा में होता है, इसे हम मिडल मैन ऑफ बॉडी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होता है। सर्कुलेटरी पाथवे में हमने दो पढ़े थे, ओपन और क्लोज्ड। ओपन जो ओपन में साइनसिस होते हैं और क्लोज्ड में बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से ब्लड जो है फ्लो करता है यानी लीड्स और कॉर्डेट्स। दो चैम्बर्ड हार्ट फिश में होता है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की उसमें 4 होते हैं, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड। एम्फीबिया में और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हो रही थी, बर्ड्स और मैमल में डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या थी, हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी में जो होती थी मतलब बिटवीन
राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो हो रही थी। सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरी के बीच में हो रही थी। तो यहां तक हमने जो है कल कवर कर लिया था। आज हम बात करते हैं उससे आगे। ये आर्टरियल सिस्टम जो होता है, हाँ ये आर्टरियल सिस्टम जो है ये क्या है, हमारा ओर्टा से आर्टरी बनती है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, वीनियस सिस्टम होता है वेन्यूस से वीन और वीन से वेना कावा। अब देखो ये इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। ये हमारी ओर्टा के पास ब्लड आया, ओर्टा ने ब्लड लिया, उसके बाद आर्टरी में पास हुआ, आर्टरी से आर्ट्रियोस, आर्ट्रियोस से कैपिलरीज ने उस ब्लड को उठाया, कैपिलरीज ने फिर वेन्यूस को पास किया, वेन्यूस ने विंस को, विंस ने वीना कावा को, और एट द एंड हार्ट ने ब्लड ले लिया। अब इनकी जो है सिग्निफिकेंट पॉइंट कुछ है, इनके जो हमारी कैपिलरी होती है ना स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, मतलब लेकिन मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है कैपिलरी का होता है, क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। और 5-6% ऑफ ब्लड जो है कैपिलरी में होता है, टूनिका इंटरना ये सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है कैपिलरी की, टूनिका इंटरना जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैंने आगे लिख रखी है, तीनों जो है लेयर होती हैं, ठीक है, ये इसकी बनी होती है मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो कैपिलरी में याद रखना है कि मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस एरिया यानी गैसेस एक्सचेंज वहाँ हो रहा है। 5-6% ब्लड स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, सिंगल लेयर होती है टूनिका इंटरना। बात करें आर्टरी की, आर्टरी की जो है मस्कुलर होती है, ये थिक वॉल होती है, इलास्टिक होती है, ट्यूनिका मीडिया की बनी होती है, ट्यूनिका मीडिया सॉरी लेयर है इसमें, ल्यूमेन जो है इसका नैरो होता है, ठीक है। ये हमारी जैसे ब्लड वेसल जो हमारी होती है ना, उसके अंदर जो उसका एरिया जितना होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमन उसका नैरो होता है। वीन्स की बात करें, हमने कैपिलरी देख लिया, आर्टरी देख लिया, कैपिलरी का मैक्सिमम सरफेस एरिया था, आर्टरी थिक थी, इलास्टिक इलास्टिक जो इसकी वॉल थी, इलास्टिसिटी थी, मस्कुलर थी, ल्यूमन नैरो था। वीन्स की बात करें, थिन होती है, लेस इलास्टिक होती है, और ल्यूमन इसका वाइड होता है, इसका ल्यूमन नैरो है। ऑब्वियसली जो चीज मोटी होगी उसका ये मोटा है, मतलब इसकी वॉल मोटी है, तो इसका जो ल्यूमन है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, मतलब नैरो हो गया। अब ये पतली है, ठीक है, इसकी वॉल जो है पतली है, इलास्टिसिटी भी कम है, तो इसका ल्यूमन क्या होगा, वाइड होगा। बात करें कि ब्लड वेसल्स की जो है 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना से समझ रहे हैं आउटर लेयर, मीडिया मिडल लेयर, इंटरना इनर लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होती है वो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होती है कोलेजन फाइबर की, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल विद इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका मीडिया जो मैंने यहाँ बताया था स्मूथ मसल्स इलास्टिसिटी। ट्यूनिका इंटरना एंडोथीलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होते हैं कैपिलरी, ठीक है। बात करें कि इलास्टिक लेमिना जो है वो आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक लेमिना प्रेजेंट इन, ये हाँ मैंने लिख रखा था यहाँ, आर्टरी इलास्टिसिटी ट्यूनिका मीडिया। थिकनेस डिपेंड्स ऑन ट्यूनिका मीडिया, थिकनेस जो है ट्यूनिका मीडिया पे डिपेंड करती है, मोस्ट प्रोमिनेंट होती है आर्टरी में, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम देखो, ये हमारा हार्ट है, ये ऑर्गन है, ठीक है, ये हमारी आर्टरी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे ऑर्गन तक इसने पहुंचाया, ये लेकर आई, कैरी ब्लड, कैरी ब्लड सॉरी हाँ कैरी ब्लड हाँ हार्ट टू ऑर्गन विद जर्क एट हाई प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट को हम सिस्टोल कहते हैं। तो यह ब्लड को कैरी करती है हार्ट से ऑर्गन तक, ठीक है, एक हाई प्रेशर के साथ, मतलब जर्क एकदम झटके के साथ, एकदम से कोई चीज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल उसका हो रहा है, तो ऊपर से एकदम से गिरती है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही समझो कि ब्लड एकदम से ऐसे झटके से नीचे आ रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ आया, यहाँ से वीन्स ने ब्लड को उठाया, यहाँ पे लंग्स अपना ऑर्गन था यानी लंग्स, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, वीन्स ने इसको उठाया और यहाँ पे हार्ट के पास पहुंचा दिया। विंस जो है लो प्रेशर के साथ जो है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है। नेक्स्ट विंस मैक्सिमम ब्लड 60-65% विंस में जो है मैक्सिमम ब्लड होता है 60-65% यानी वाल्व्स भी प्रेजेंट होती है। वाल्व्स आगे अच्छे से पढ़ेंगे, वाल्व्स क्या चीज है, कैसे क्या है, आगे है पूरा अच्छे से टॉपिक। फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है बॉडी में, वीन में होता है। अब देखो जैसे डॉक्टर है वो आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं,
ठीक है, वो कभी आपकी आर्टरी में या कैपिलरी में थोड़ी इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी नस में इंजेक्शन लगाते हैं, नस के थ्रू जो है मैक्सिमम ब्लड पास हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन भी यहीं से होगा, जल्दी से वो हार्ट तक पहुंचा देती है उसको और पूरी बॉडी में जो है वो चली जाती है। फिर उसके बाद आफ्टर डेथ, डेथ के बाद आर्टरी जो है क्या एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये डायग्राम देखो, यहाँ से हार्ट है, ये ऑर्गन है, आर्टरियल सिस्टम, वही बात, वो वहां पीछे जो है ये आर्टरी था, यहाँ आर्टरियल सिस्टम, तो कंफ्यूज नहीं, आर्टरियल सिस्टम क्या है, ओटा से आर्टरी के पास, आर्टरी से आर्टरियल के पास, यहाँ पे फिर कैपिलरी होती है, कैपिलरी ने उसे उठाया, ऑर्गन के पास गया, विनियस सिस्टम यानी विन से विना कावा, फिर यहाँ अपने हार्ट में उसको ब्लड को पहुंचा देगी। तीन सिस्टम होते हैं ब्लड को कैरी करने के, एक आर्टरियल सिस्टम, विनियस सिस्टम और एक पोर्टल सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम क्या होता है, जो एंड्स टू कैपिलरी, कैपिलरी पे एंड हो जाता है, ये आर्टरियल सिस्टम था, यहाँ एंड हो गया, यहाँ कैपिलरी थी, यहाँ एंड हो गया। कैरी ब्लड टू ऑर्गन, कैरी ब्लड टू ऑर्गन, सॉरी, ये है कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू, नहीं फ्रॉम आएगा, कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, यहाँ पे कैपिलरी है ऑर्गन से हार्ट में। नेक्स्ट बात करें विनियस की, कैपिलरी से ये स्टार्ट होता है और ब्लड को हार्ट तक जो है पहुंचाता है। पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड सो, कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी पे खत्म होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। अब ये पोर्टल सिस्टम भी तीन प्रकार का, एक रेनल पोर्टल सिस्टम, एक हेपेटिक और एक हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पीएस। रेनल पीएस जो है पोर्टल सिस्टम, ये पोस्टीरियर बॉडी पार्ट्स या हिंड लिम्ब से किडनी में जाता है, किडनी में, ठीक है, किडनी, रेनल, रेनल किडनी, ठीक है, इससे आप याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं आला कि सिर्फ हेप्टल वाला है, हेप्टिक वाला है। फिशेज और एम्फीबिया इसके एग्जांपल है, फिशेज और एम्फीबिया। नेक्स्ट बात करें हेप्टिक, इंटेस्टाइन से लीवर में, इंटेस्टाइन से लीवर में, ऑल वर्टिब्रेट्स यानी हमारे में भी हेप्टिक पोर्टल सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करें हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमस जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, वहां से एडिनो हाइपोफाइसिस जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, हम जो 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है वहां उसमें पढ़ते हैं। तो अभी आप इतना देखो कि हाइपोथैलेमस से एडिनो हाइपोफाइसिस यानी बर्ड्स या मैमल्स, एक बार फिर से रेनल पीएस किडनी, फिशेज एम्फीबिया, हेप्टिक पीएस लीवर, ऑल वर्टिब्रेट्स, हाइपोथैलेमो एडिनो हाइपोफाइसिस बर्ड्स या मैमल्स, ठीक है। बात करते हैं कि लीवर, हार्ट और लंग हमेशा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो है रिसीव करते हैं, ठीक है, हार्ट भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों रिसीव करता है, लंग्स भी और हमारा लीवर भी। नेक्स्ट बात करते हैं आप एक बार फ्लो चार्ट से और अच्छे से इजी हो जाएगा समझना। ये हमारा हार्ट है, लीवर आईवीसी, इंफीरियर वीना कावा और ये है हमारा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से हेप्टिक पोर्टल, इंटेस्टाइन से जो है लीवर का रोल है तो हेप्टिक पोर्टल विन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गई लीवर के पास, यहाँ से हार्ट ने जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेप्टिक आर्टरी के थ्रू लीवर को दिया, यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हुआ, जो इम्प्योर बचा वही हेप्टिक विन के थ्रू इन्फीरियर विना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। तो मैं यही बात करी थी, लीवर जो है दोनों ब्लड रिसीव करता है, ऐसे ही हमारा हार्ट और ऐसे ही हमारी लंग्स, ठीक है, क्योंकि लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वहां से वो प्योर फॉर्म में होता है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ जाता है, तो फिर वो ऐसे एक बार फिर से इंटेस्टाइन से हेप्टिक पोर्टल विन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर के पास, हार्ट ने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया, हेप्टिक आर्टरी पोर्टल विन डीऑक्सीजनेटेड, हेप्टिक आर्टरी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद लीवर ने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेप्टिक विन के थ्रू इन्फीरियर विना कावा में सप्लाई कर दिया। कोरोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट मसल के पास सप्लाई करती है, ठीक है, कोरोनरी। कैरोटिड की बात करें तो वो ब्रेन या हेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन या हेड में कौन सी आर्टरी ट्रांसफर करती है, कैरोटिड, ठीक है, फ्रॉम दिस जुगुलर विन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे अब हम आ गए हैं, तो इसकी बात करते हैं। जो हमारा हार्ट होता है उसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, मतलब वो मसल से मिलके बना होता है, 250 से 350 ग्राम उसका वेट होता है,
क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब हमारी मुट्ठी जितना जो है वो हमारा हार्ट होता है, मुट्ठी जितना अगर हम अपने हाथ को बंद करते हैं ऐसे, तो क्लेंच्ड फिस्ट उसी को कह रहे हैं। यहाँ डायग्राम देखना, ये हमारा हार्ट है, हार्ट की आउटर कवरिंग है ये, ठीक है, आउटर कवरिंग। ये जो है आप देख रहे हो, ये हमारी पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, और ये अंदर है पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है कि ये जो है इनको ऐसे मिलने नहीं देती, मतलब ये ले दोनों जो कवरिंग्स हैं इनको मर्जअप नहीं होने देती, कोलैप्स नहीं होने देती, मॉइस्चर प्रोवाइड करके रखती है। अब ये डायग्राम देखना, ये हमारा हार्ट है, अपर जो होते हैं वो हम अपर फोर चैम्बर्स होते हैं, अपर टू चैम्बर्स जो है कंपेरेटिवली छोटे होते हैं लोअर वाले से, ठीक है, ये हमें पता है। राइट आर्ट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिकल आर्टरी, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ये राइट, पहले ये देखो, पहले इनका वो देख लेते हैं, बोल, जो राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी को अलग करे वो हमारा इंटर आर्टरियल सेप्टा होता है। ऑब्वियसली आर्टरियल आर्टरी की बात है तो इंटर आर्टरियल सेप्टा, वेंट्रिकल को दोनों वेंट्रिकल्स को अलग करे वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब जो लेफ्ट आर्टरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, यानी अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को अलग करे वो होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। अब इसमें आर्टरियो नाम भी है, वेंट्रिकुलर भी, तो समझना आसान है कि भाई हाँ ठीक है, इन दोनों को अलग कर रही है ये सेप्टा, ठीक है। थिक फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू की हमारी आर्टरिया आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बनी होती है थिक। अब बात करें राइट आर्टरी में, जो हमारी एक तो SVC सुपीरियर वीना कावा ऊपर से, मतलब ऊपर वाले एरिया से हमारी सुपीरियर वीना कावा ब्लड लेकर आती है, ठीक है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नीचे जो है अपने पोस्टीरियर एंटीरियर दोनों एरिया कवर करती है, ये नीचे से इन्फीरियर वीना कावा, ठीक है, एक ये आप देख पा रहे होंगे और एक ये इन्फीरियर वीना कावा। तो ये इनका क्या काम होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरी में ले आती हैं, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया और फिर कोरोनरी साइनस जो होता है उसका रोल आगे मैं बताऊंगी, पहले बस ये इतना बेसिक समझो आप। और इसमें भी अगर हम बात करें कि भाई लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, लार्जेस्ट चैम्बर जो हमारा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट के बाद राइट वेंट्रिकल, फिर राइट आर्टरी, फिर लेफ्ट आर्टरी, ठीक है, ये सीक्वेंस हमने लिख रखी है। अब देखो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है, मैंने बताया था ये राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, दोबारा सेप्टा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इस डायग्राम में मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारी सुपीरियर वीना कावा, ये इन्फीरियर वीना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती है, ये हमारी कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस भी क्या है, हमारा जो ब्लड का जो सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा के ब्लड को राइट आर्टरी में लेकर आती है। अब बात करते हैं ये जो हमारा ये लेफ्ट आर्टरी में जो चार विंस होती हैं जिन्हें हम पल्मोनरी विन कहते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं ऑर्गन से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से। उसके बाद देखो एक बार थोड़ा सा जो है दोबारा से मैं बताती हूँ, राइट आर्टरी लेफ्ट आर्टरी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आ गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हमारा आ गया राइट आर्टरी से, गया वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में चला गया, यहाँ पे हमारी जो है एक आर्टरी यहाँ से निकलती है, ठीक है, जो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हमारे यहाँ पे लंग्स यानी ऑर्गन के पास, लंग्स के पास जाती है, ये हमारा राइट लंग लेफ्ट लंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई है, अब यहाँ पे लंग्स जो है उसे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसे प्योर कर देगा, ठीक है। अब यहां से जो है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ गई थी लंग्स के बाद पास, अब जो ये पल्मोनरी वीन मैंने बताई लेफ्ट आर्टरी में,
इनका ये इनका क्या काम होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैरी करती हैं उसको हमारे यहाँ से ऑर्गन से लेफ्ट आर्टरी में, ठीक है, लेफ्ट आर्टरी में उसे लेके कौन आया, पल्मनरी विन जो है यहाँ से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आ गया, लेफ्ट आर्टरी से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एक जो है पल एक सिस्टमिक ओटा, ये हमारी सिस्टमिक ओटा ओटा निकलती है, ये यहां से गई, ठीक है। यहां से जो है फिर ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देती है, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक थी ये हमारी, जिसको हम दोनों को पल्मोनरी आर्टरी मिलाकर कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। अब देखो ये जो है हमारी इसकी भी हमारे हार्ट की मसल्स, मसल से बना है हमारा हार्ट। इसकी कवरिंग्स होती हैं, इसकी लेयर सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, ठीक है, जो ल्यूमन अंदर हमारा ल्यूमन है उसको लाइन करती है। फिर मायोकार्डियम यानी मस्कुलर जो एरिया है थिकनेस ये, और फिर ये बाहर जो आउटर है वो एपिकार्डियम, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो मैंने बताया कि सबसे बड़े बड़ी जो है चैम्बर भी ये है, और थिकेस्ट वॉल भी इसी की होती है, ठीक है। उसके बाद ये है राइट वेंट्रिकल, लेकिन राइट वेंट्रिकल की हमारी वाइडेस्ट ल्यूमन होती है, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे जो है थिकेस्ट वॉल है, थिकेस्ट वॉल होगी तो ल्यूमन का जो एरिया नैरो होगा, राइट वेंट्रिकल में जो है एरिया ज्यादा है तो ये वाइडेस्ट ल्यूमन होगा। अब देखो जो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे वाल्स लगी होती हैं, मतलब ये वाल्व्स जब खुलती है ना तभी ब्लड यहाँ से सप्लाई होता है। इनको हम सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं, जो हमारी सिस्टमिक ओटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में लगी होती हैं, ठीक है। और एक बार फिर से बताती हूँ, राइट आर्टरी में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, SVC और IVC और कोरोनरी साइनस के थ्रू। राइट आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड को उठाया, लंग्स के पास ले गया, लंग्स ने उसे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी विन लेकर आई, जो चार होती हैं लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई किया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक ओटा ने उसे उठाया और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है बहुत इजीली जो है याद रखवाएगा कि पल्मोनरी विन का क्या काम है, कोरोनरी साइनस का मैंने काफी इजी वे में बनाया है। बात करें, अब हमने दो वाल्व पढ़ ली, एक पढ़ी है सॉरी सेमिल्यूनर वाल्व, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी सिस्टमिक ओटा दोनों में है। अब जो है राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनका काम पढ़ेंगे आगे। वाल्व दो होती हैं, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व जो होती है, ये हमारी आर्टरी वेंट्रिकल सेप्टा थी, इनके भी ये जो इनके अंदर जो वॉल्व हैं इनको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दो होती हैं, ठीक है। और एक सेमिल्यूनर वाल्व जो दो हैं पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक ओटा में। एक BCN वाल्व होती है कोरोनरी साइनस में, यूस्टेशियन वाल्व होती है IVC में, BCN वाल्व कोरोनरी साइनस में और यूस्टेशियन वाल्व IVC इंफीरियर वीना कावा में। वेंट्रिकल्स वाल्व वॉल्स जो है थिकर होती हैं आर्टरी से, वेंट्रिकल्स वाल्व जो होती हैं थिकर होती हैं आर्टरी, तो जो वेंट्रिकल्स की वाल्व वॉल्स होती है वो आर्टरी से थिकर होती है, मतलब वेंट्रिकुलर वाल्स थिकर देन आर्टरीज। ब्लड प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो राइट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लास्ट में आर्टरीज में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद जो हमारी दोनों आर्टरीज बच गई, क्योंकि आर्टरीज से जो ब्लड है वो हमारी वेंट्रिकल्स में तो आता है ना। उसके बाद बात करें कि पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी विन से ज्यादा प्रेशर ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरी में ज्यादा ब्लड प्रेशर क्यों होता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। और उसके बाद सिस्टमिक ओटा में पल्मोनरी आर्टरी से ज्यादा प्रेशर होता है।
पल्मोनरी आर्टरी का अगर पल्मोनरी वेन से कंपैरिजन करें तो पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा है, ठीक है, ये जो हम समझ गए। सिस्टेमिक ओर्टा में जो है पल्मोनरी आर्टरी से भी ज्यादा होता है, क्योंकि अब सिस्टेमिक ओर्टा में पूरा टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में इंफीरियर वीना कावा से ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी में। कोरोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वेन से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये डायग्राम है हमारा हार्ट का, अगेन ये जो ये एडिशनल है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। ये वाल्व है हमारी दोनों, ये हमारी ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड, ठीक है। यहाँ जो ये हमारी ऐसे जो हमारी वेंट्रिकल साइड होती है ना, वेंट्रिकल चैम्बर हमारे दोनों, ये थोड़े से रफ सरफेस होता है इनका, ये जो इनमें दिख रहे हैं ना आपको, इनकी वजह से ये जो छोटे छोटे वो दिख रहे हैं आपको सर्कल से, इनको हम कोलमनी कारनी कहते हैं, और ये जो बड़े बड़े माउंटेन से ऐसे हो रहे हैं इनको हम पेपिलरी मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिलरी मसल। उसके बाद ये जो हमारी वो वाल्व होती हैं, ये जो ये पेपिलरी मसल होती हैं, इनसे जाके जो है अटैच हो जाती हैं, मतलब इनसे जाके जुड़ जाती हैं, और कोर्डा टेंडिनी जिसको हम कहते हैं, जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ब्लड का वेंट्रिकल से आर्टरिकल में, मतलब मेजरली जो देखो वाल्व का तो नाम हमने सुना था, लेकिन यहाँ पे जो बैरियर बना रही है ना वो कोर्डा टेंडिनी है, जो प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ब्लड का वेंट्रिकल से आर्टरी में, ठीक है। ये एक और, ये राइट आर्टरिकल, लेफ्ट आर्टरिकल, आर्टिकल आर्टरी और सॉरी आर्टरी, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, ठीक है। जो फीटस होता है ना, मतलब एम्ब्रियो, जब बच्चा मदर के पेट में होता है उस दौरान, वहां पे है ना, यहाँ पे राइट आर्टरी में जो है एक फोरामिन ओवेल होती है इनमें, ठीक है, जो मतलब इनके ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। अडल्ट में जो है फिर वो फोजा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाती है। एक डक्टस आर्टरियोसस होती है पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टेमिक ओर्टा को जो कनेक्ट करती है, स्मॉल ट्यूब ये होती है एम्ब्रियो स्टेज में, जिस जो है फिर लंग्स में, क्योंकि देखो एम्ब्रियो स्टेज में मैंने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में बताया था कि बच्चे में फीटस में जो है लंग्स में एयर नहीं होती, ठीक है, यानी वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, गैसेस एक्सचेंज नहीं होता तो ब्लड तो वहाँ जाएगी ही नहीं भाई, ठीक है, एम्प्टी है क्योंकि लंग्स उस टाइम तक, तो लंग्स में ब्लड ना जा पाए, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होती है एक स्मॉल ट्यूब से, डक्टस आर्टरियोसस जिसे हम कहते हैं। अडल्ट में फिर ये लिगामेंटम आर्टरियोसस में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये कुछ तीन डिसीज हैं, एएसडी आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसटी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये मतलब जो हम दिल में छेद कहते हैं ना कि दिल में छेद हो गया, ये वो वाले डिफेक्ट है सारे। सप्लाई ऑफ मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बॉडी, ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ज्यादा सप्लाई होगा बॉडी में। हार्ट बीट, अपने टॉपिक पे आते हैं, हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन हो तो सिस्टोल याद रखना, रिलैक्सेशन डायस्टोल मैं कहूँ तो रिलैक्सेशन, सिस्टोल कहूँ तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। हार्ट बीट 72 to 75 पर मिनट, हमारा जो है ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, एक मायोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जो है उसमें ये हमारे नर्व फाइबर होती हैं, ठीक है, जो ब्लूस को अपने हार्ट को जो है क्या करती है, हार्ट बीट देती है, मतलब इंड्यूस करती है हार्ट बीट, जबकि मायोजेनिक हार्ट में जो है मसल्स के द्वारा होता है, ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि मायोजेनिक हार्ट वर्टिब्रेट में, यानी हम में। ये हार्ट देखो, इससे यहाँ से समझ आएगा कैसे इम्पल्स जो है वेंट्रिकुलर मसल के पास जाता है, और कैसा ये सारा इम्पल्स कंडक्शन जो होता है हमारे हार्ट में। ये हमारा हार्ट है, ये हमारी राइट आर्टरी, राइट आर्टरियल में सबसे ऊपर, राइट आर्टरियल में बिल्कुल अपर कॉर्नर पे एक एसए नोड, ठीक है, एसए नोड नाम का टिश्यू होता है, नोडल टिश्यू, एसए नोड नाम का, ठीक है, पहले ये याद रखना।
ऐसे नोड के बाद होता है एक एवी नोड, इसी चैम्बर में होता है लेकिन लोअर साइड पे एवी नोड, ठीक है। अब ये जो क्या है ऐसे नोड, एवी नोड को, ऐसे नोड का क्या काम होता है, वो जो है अपना इम्पल्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इम्पल्स प्रोवाइड की उसने किसको, एवी नोड को उसने जो है इम्पल्स पास कर दी, ठीक है। इसको, इस पाथवे को हम इंटरनोडल पाथवे कहते हैं। ये जो है हमारा ऐसे नोड, देखो ये जनरेट करता है ऐसे इम्पल्स पूरे में, ऐसे इसने आर्टरिया वाले में इम्पल्स जनरेट कर दी, इंड्यूस कर दी, ठीक है, इन न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स जिसे हम कहते हैं। ये ऐसे नोड ने तो भैया अपना आर्टरी में काम कर लिया, ठीक है, साइनो आर्टरियल नोड जिसे हम कहते हैं। अब एवी नोड के पास भी इसने सप्लाई अपना इम्पल्स जो है भेजा, मतलब किया पास। अब एवी नोड जो है आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल में जो है ये ऐसे निकला बाहर, मतलब इंड्यूस हुआ इम्पल्स जो है उसको हम आर्टरी वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं, जो मसल फाइबर का ग्रुप है, मसल फाइबर का ग्रुप है। उसके बाद ये बढ़ता 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 पूरे वेंट्रिकुलर की वाल में वॉल्स को जो है इसने सराउंड कर लिया, जिसको हम प्रकुंजी फाइबर्स कहते हैं, जो इम्पल्स देता है वेंट्रिकुलर मसल को, ठीक है। ये हमारे राइट ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिज, और ये हमारे लेफ्ट, ठीक है, और ये हमारा एपेक्स ऑफ हार्ट हो गया। अब यहाँ सीरीज में देखो, ऐसे नोड से एवी नोड में गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज जो प्रकुंजी फाइबर्स से हमारा क्या हो गया, इम्पल्स कंडक्ट हो गई, ठीक है। तो ये पूरा हमारा हार्ट बीट ऐसे कंडक्ट होती है, मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन और एक रिलैक्सेशन से एक हार्ट बीट बनती है। नेक्स्ट बात करें एवरी पार्ट, यानी हर एक पार्ट, ये चारों पार्ट जो हमने बात किया, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज और प्रकुंजी फाइबर, चारों में जो है एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन मैक्सिमम अगर पूछे तो ऐसे नोड में होता है 72 to 75 और उसके बाद एवी नोड में 40, ठीक है। लेकिन एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट चारों कर सकते हैं। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इम्पल्स जनरेट होती है 72 to 75, और ऐसे नोड का क्या काम होता है, फॉर मेंटेनिंग रिदमिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इम्पल्स कंडक्शन फास्टेस्ट कहाँ होगा, प्रकुंजी फाइबर्स में, और स्लोवेस्ट होगा एवी नोड में, अब क्वेश्चन है कि पेसमेकर अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो जो पेसमेकर हमारा कौन था, ऐसे नोड कहाँ था, आर्ट्रिया में, तो आर्ट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी लेकिन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे, मतलब कुछ नहीं, आर्ट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, बस वेंट्रिकल्स अपना कॉन्ट्रैक्ट होती रहेंगी। एवी नोड काम ना करे तो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, मतलब इम्पल्स कंडक्शन ब्लॉक हो जाती है। देखो ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो चलो ठीक है, वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आर्टरीज जो है नहीं हो रही। उसके बाद अगर एवी नोड काम नहीं कर रहा तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन जो है ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अब कंडक्शन तो हुआ ही नहीं ना, यहाँ पे पूरे इस वेंट्रिकल्स वाले चैम्बर में जो है कंडक्शन ही खत्म हो गया एवी नोड की वजह से, ठीक है, जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा जाना था, आगे पीछे ऐसे होना था, वो पूरा बिगड़ जाएगा। कार्डिक साइकिल नेक्स्ट टॉपिक पे आता है, तो सीरियल वाइज जो इवेंट होते हैं हार्ट बीट के, उसे हम कार्डिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। 0.8 सेकंड ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की होती है, ये भी दो तरीके की होती है, एक आर्ट्रियल में होती है कार्डिक साइकिल और एक वेंट्रिकल की होती है। आर्ट्रिकल में भी एक आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, यानी आर्टर की कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 जो है सेकंड की होती है, आर्टरियल 0.7। तो ये इंडिविजुअली दोनों साइमिलेटनियसली काम करती हैं और दोनों का ही जो टाइम जो होता है वो 0.8 सेकंड का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको 0.4 हो गया, इसका 0.4 मिला के हो गया 0.8, नहीं, इनका जो है दोनों का इक्वल सेम होता है। यहाँ आपको याद रखना चाहो तो रख लेना कि आर्टरियल सिस्टोल 1, आर्टरियल डायस्टोल 0.7, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 और वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होता है, हमारी वाल्व थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आर्टरी में आया, 70% ऑफ ब्लड जो है हमारी वेंट्रिकल्स में चला जाता है, जहाँ से पल्मोनरी आर्टरी और सिस्टमिक आउट है उसे लेकर जो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पिलाते हैं और पूरी बॉडी में जो है वो सप्लाई हो जाता है,
ठीक है। अब बात करें वेंट्रिकल सिस्टोल की, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो मतलब हम यहाँ ब्लड सप्लाई की बात करेंगे कि एक्चुअली में कैसे होता है ब्लड, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अपना वेंट उसमें राइट आर्टरी से वेंट्रिकल्स में चला जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मतलब ऊपर नीचे होता है। तो ये क्या है वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो हमने पढ़ी थी ना ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाती है और सेमिलूनर वाल्व जो है ओपन हो जाती है। कैसे? ये हमारा वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर एरिया चैम्बर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी ये जो है क्या हो गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये एक सिकुड़ गया, ठीक है। ये सिकुड़ा तो उस टाइम जो हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ना ये बंद होगी। क्यों होगी भाई? अभी तो आर्टरी से ब्लड जो है वेंट्रिकल में आया था, वेंट्रिकल से तो सीधा कहाँ जाना है, या तो अपनी सिस्टमिक, वो अपनी सिस्टमिक ओटा में जाना है, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में और सिस्टमिक ओटा में। तो अब अगर जो है ये वाल्व भी ओपन होंगी तो ब्लड तो वापस चला जाएगा आर्टरीज में, ठीक है। तो फिर कैसे ब्लड सर्कुलेशन होगी? तो इसलिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व तो क्लोज हो जाती है, और जो हमारी सेमिलूनर वाल्व है ना जो मैंने बताई थी कि पल्मरी ओटा के नीचे और सिस्टमिक ओटा में हमारी वाल्व लगी होती है, उन्हें हम सेमिलूनर वाल्व कहते हैं, वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है उनमें पास होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, उसका रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उस दौरान ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाती है और सेमिलूनर वाल्व क्लोज हो जाती है। क्यों होती है ये? अब इसमें तो ब्लड है ही नहीं ना, ये रिलैक्स हो गया, इसने तो अपना ब्लड वापस पास कर दिया, तो इस दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगी, क्योंकि अब ये खाली है, अभी आर्टरी से दोबारा ब्लड आना है, ठीक है। तो इसलिए ये तो खुल जाएंगी, सेमिलूनर वाल्व और सिस्टमिक ओटा उस टाइम बंद हो जाएगी, क्योंकि जो है अपना क्या है रिलैक्सेशन की स्टेट में है ना वेंट्रिकल, तो ब्लड तो कहाँ से ऊपर से नीचे आना है, अगर वरना तो ऐसा ही हो जाएगा ना कि ब्लड तो सीधा ऊपर से आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी में सिस्टमिक ओटा में जा रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो इसलिए जो है ये वाल्व बंद हो जाती है, सिस्टमिक सेमिलूनर वाल्व जो क्लोज हो जाएगी और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगी। अब लब और डब दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं, और ये हमेशा जो है वाल्व की क्लोजिंग में ही प्रोड्यूस होती हैं। जो लब साउंड है वो हमारी पहली साउंड होती है, वो जब हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होती है एकदम से लब साउंड आती है, डल साउंड होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। और वेंट्रिकल सिस्टोल में जब सेमिलूनर वाल्व क्लोज होती है तो डब साउंड आती है, शार्प साउंड होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। फिर एक चीज आती है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल क्या है? वो स्टेज है ये जहां पे सारे चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं बिल्कुल, ठीक है। 0.4 सेकंड की ये ड्यूरेशन होती है, और मतलब इस दौरान जो हमारे एस ए नोड और एवी नोड जो हमने पढ़े थे उनमें कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होती, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है उस दौरान, और सेमिलूनर वाल्व क्लोज होती है, ठीक है। आर्ट्रियल सिस्टोल, अब वेंट्रिकुलर पढ़ लिया ऊपर, अब आर्ट्रियल सिस्टोल की बात करेंगे। 0.1 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन होती है उस दौरान। अब आर्ट्रियल को सिस्टोल की बात कर रहे हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होंगी। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब ब्लड जो है प्रेशर फील कर रहा है, अब उसको वेंट्रिकल्स में पास करना है, ठीक है। तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व जो है ओपन हो जाएंगी और सेमिलूनर वाल्व जो है क्लोज होंगी, ठीक है। सारा जो है समझ लेना, ऐसे याद तो ये चीजें होंगी नहीं, मतलब आप समझते रहना। सेमिलूनर वाल्व क्लोज, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, क्योंकि आर्टरी प्रेशर फील कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में है, ब्लड वेंट्रिकल्स में पास करना है, इसलिए इसकी वजह से उस दौरान जो है 30% ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में पास हो जाता है, 30% ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में पास होता है। अब 70% बचा वो जॉइंट डायस्टोल के थ्रू जाता है, वो अभी आगे बताऊंगी। जब ऐसे नोड जनरेट करे तो उसे आर्टरियल सिस्टोल कहते हैं, एवी नोड जनरेट करे इम्पल्स तो वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। यहां से समझ लेना, ए आ गया आर्टरियल वाली बात है, बी आ गया वेंट्रिकल वाली बात है, ठीक है। फ्लो चार्ट से देखते हैं,
एएस यानी हमारा क्या था, आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल के बाद हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ठीक है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, फिर हमारा जॉइंट डायस्टोल। एक ये कंडीशन आती है जिस दौरान हमारा जो है सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड पोजीशन में होते हैं, एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड जो है कोई इंपल्स जनरेट नहीं कर रहे होते, ठीक है, 0.8 सेकंड की टोटल ये हमारी कार्डिक आउटपुट जिसे हम कहते हैं कार्डिक साइकिल, सॉरी। बात करें कि जॉइंट डायस्टोल जो है वो अब्सेंट होता है, देखो अब हमने पढ़ लिया कि जॉइंट डायस्टोल होता है लेकिन जॉइंट सिस्टोल क्यों नहीं होता। सिस्टोल क्या होगा, सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन, अब चारों चैम्बर कॉन्ट्रैक्शन की उसमें तो हो ही नहीं सकते ना, और ये छोड़ो फैक्ट ये है, इसका मेन रीजन ये है कि एसए नोड और एवी नोड कभी भी एक साथ जनरेट नहीं कर सकते इंपल्स, यानी एसए नोड सिर्फ आर्टरी में जनरेट करता है, आर्टरी के बाद जो है एवी नोड वेंट्रिकल्स में जनरेट करता है, तो इसलिए जॉइंट सिस्टोल नहीं हो सकता। और अगर वाल में डिफेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को हम हार्ट मर्मर कहते हैं, हार्ट मर्मर, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है आर्टरी से वेंट्रिकल में, आर्टरिया टू वेंट्रिकल, ठीक है। 30% वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है रैपिडली एक्टिवली, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या था, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, 30% ब्लड तब आ जाता है, 30% ब्लड आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, 30 ब्लड अपना ड्यू टू दिस 30% ब्लड आर्ट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है, आर्ट्रियल सिस्टोल होगा यहाँ, सॉरी आर्ट्रियल सिस्टोल, और 70% जो है जॉइंट अपना डायस्टोल की कंडीशन में पैसिवली, ठीक है, प्रेशर के साथ 70% ब्लड नीचे आता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल होगा 30%, जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, 70% जॉइंट डायस्टोल। EDV होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, डायस्टोल हो गया कॉन्ट्रेक्शन हो गई उसके बाद जो वॉल्यूम ब्लड में ब्लड की वेंट्रिकल में बचती है वो है 120 मिलीलीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल आफ्टर डायस्टोल, डायस्टोल के बाद, डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन की स्टेट में जब होता है, यानी ब्लड आ गया, ब्लड कितना है टोटल 120 मिलीलीटर। और ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक क्या होती है अपनी, सिस्टोलिक है अपनी कॉन्ट्रैक्शन वाली, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेन इन वेंट्रिकल आफ्टर सिस्टोल, जो ब्लड की वॉल्यूम बचती है वेंट्रिकल में रिलैक्स सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन के बाद। अब देखो रिलैक्सेशन में 120 मिलीलीटर यानी टोटल ब्लड जितना आ गया, अब टोटल ब्लड आ गया वो आगे वो भी तो होना ना, ट्रांसपोर्ट भी तो होना है, ट्रांसपोर्ट जितना हो गया उसके बाद जो बचा, मतलब बच गया अभी पूरा जा नहीं पाया वो हमारा 50 मिलीलीटर, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम, अब ये दोनों पॉइंट है ना जो हम आगे कार्डिक, ये स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट इससे रिलेटेड है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है एक हार्ट बीट में, ठीक है, ईच वेंट्रिकल के द्वारा, वो है हमारा 70 मिलीलीटर। कैसे, 120 हमारा टोटल था, 50 हमारा रिमेनिंग था, अब और वो जो ट्रांसपोर्ट हो गया, पंप हो गया जो ब्लड, वो कितना है 70 मिलीलीटर, तो EDV माइनस ESV स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारी। कार्डिक आउटपुट, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल और मिनट 5000 मिलीलीटर टू 5 लीटर, जो ब्लड पंप हो हर एक वेंट्रिकल के द्वारा एक मिनट में, मतलब हमारी जो ब्लड है वो पंप हो जाता है बॉडी में एक बार में एक मिनट में 5000 मिलीलीटर यानी 5 लीटर तक ब्लड, मतलब एक तभी तो, मतलब एक बार में पूरा ब्लड हमारा जो है वो सर्कुलेट हो जाता है पूरी बॉडी में एक मिनट में। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डिक हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हार्ट रेट 72 अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा इज सेम एज स्ट्रोक वॉल्यूम, लेफ्ट आर्टरिया से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो सेम होता है स्ट्रोक वॉल्यूम में, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम में 5 लीटर, तो लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड गया वो कितना होगा अपना 5 लीटर। क्यों, क्योंकि लेफ्ट आर्टरिया में हमारा कितना ब्लड आया है, अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यानी जितना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया लेफ्ट आर्टरिया में आया, तो पूरे अमाउंट में ही आया ना लंग्स के, लंग्स में से प्योर फॉर्म में, तो वो कितना होगा 5 लीटर, ठीक है। मोर हार्ट रेट देन नॉर्मल, टैकीकार्डिया बोलते हैं, अगर नॉर्मल से ज्यादा हार्ट रेट हो तो उस दौरान हम उस कंडीशन को टैकीकार्डिया कहते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी ये पढ़ लेते हैं, ये हमारा होता है कार्डिक एसिलेटरी सिस्टम,
ठीक है, नहीं नहीं ये होता है ये ठीक है, नहीं पहले ये समझो, कार्डिक सेंटर, कार्डिक सेंटर हमारा मेड्यूला ऑब्लॉगेंटा रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, ये भी फिर दो में डिवाइड होता है, एक सीएसी एक सीआईसी, सीएसी कार्डिक एसिलेटरी सेंटर और सीआईसी कार्डिक इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है, कार्डिक एसिलेटरी सिस्टम का काम होता है इंक्रीज करना हार्ट रेट को, सीआईसी इनहिबिटरी आ गए यानी रिड्यूस करना, समझ गए। ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लिगेंटा में कार्डिक सेंटर है। अब क्या होगा, सीएसी जो है राइट एंड राइट आर्ट्रिया में जो हमारा सीएनएसए नोड, ठीक है, जो हमारा पेस में करो फाट प्रेजेंट था, उसको जो है इम्पल्स भेजेगा, मतलब इम्पल्स जो है अपना वो करेगा उसके पास भेजेगा। ठीक है, वो भेजी उस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व सेंटर, सिंपैथेटिक नर्वस सेंटर, देखो इसी एस यहाँ से एस नोड में। ठीक है, जो सिंपैथेटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, हार्ट रेट को हमारे इंक्रीज करने का काम, और वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग और स्पीड अपना फास्ट कर देता है, कौन, सिंपैथेटिक सेंटर। बात करेंगे सीआईसी, सीआईसी फिर डायरेक्ट सीएसए नोड को जो है इंपल्स जनरेट करता है, कराता है, वो जो क्या करता है रिड्यूस कर देता है, वेगस नर्व जिसे हम कहते हैं, वेगस नर्व कहते हैं, और ये क्या करती है एसिटिक कोलाइन नाम का सबस्टांस सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से हार्ट बीट रेट जो हमारा कम हो जाता है, पेरिसिंपैथेटिक सेंटर हम इसे कहते हैं। ईसीजी की बात करें तो इसमें एक डिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन मतलब जब इम्पल्स जो है एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेशन की स्टेज में होंगे, और रिपोलराइजेशन जब कोई इंपल्स जनरेट नहीं हो रही, रेस्टिंग स्टेज। डिपोलराइजेशन अपना इनिशियल या फिर एक्टिवेशन स्टेज, रिपोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज, या फिर जब इंपल्स जनरेट नहीं हो रही। अब इसमें तीन वेव होती हैं, एनसीईआरटी की बुक में अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ये तीन दिखा रखी हैं। तो पी वेव का मतलब क्या है, जो हमारी राउंड होती है, छोटी सी राउंड शेप, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को ये दर्शाती है। आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन क्या है, जब आर्टरीज का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे नोड, ऐसे नोड की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन दोनों आर्टरीज में होंगी। ठीक है, फिर आता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो एक ऐसा ट्राइंगुलर सा बड़ा सा होता है, क्यू नीचे आर ऊपर, एस या फिर दोबारा से नीचे राइट राइट साइड में हो जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन यानी एवी नोड, मैंने पहले ही बताया था कि एसए नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद क्या था बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस के बाद क्या था पुरकुंजी फाइबर्स। ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन जो हमारी सीक्वेंस थी वो, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मतलब रिलैक्सिंग स्टेज वापिस से वेंट्रिकल की, एंड मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो टी वेव का एंड होता है ना, टी वेव का एंड वो मार्क करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और टी वेव अगर फ्लैट उसका उस कंडीशन को हम कोरोनरी इस्कीमिया कहते हैं, जो रिसीव इनसफिशियंट ऑक्सीजन, मतलब इनसफिशियंट ऑक्सीजन की वजह से हो जाती है, मतलब वो टी ऐसे फ्लैट नहीं हो जाती, ऐसे ईसीजी में देखो ऐसे लाइन एक फ्लैट सी हो जाती है पूरी बिल्कुल, तो उस दौरान जो है डेथ हो जाती है, और कोरोनरी इस्कीमिया कंडीशन होती है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन उस दौरान रिसीव होता है। ठीक है, डिसीज की बात करेंगे अब, हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में ये हमारा ल्यूमन है, ल्यूमन में ये हमारी जो है इसकी वॉल है। ठीक है, अपनी आर्टरी आर्टरी है ये हमारी, सॉरी आर्टरी की वॉल में जो है, जब प्लेक्यू, प्लेक्यू क्या होता है, जब कैल्शियम फैट या कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाए, प्लेक्यू उसको कहते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है ऑक्सीजन का ऑर्गन तक वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे ऐसे जम जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, कमी तो जा पाएगा ना, तो इस दौरान क्या होता है आर्टरी हमारी जो है ल्यूमन की नैरो हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, आर्टरी है ये जो हमारी वॉल है ना आर्टरी की, ठीक है, इसमें कैल्शियम सोल्ट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जो रप्चर होके इंटरनल ब्लीडिंग का कोज होता है, अभी कैल्शियम सोल्ट बहुत सारा जो है इसपे डिपॉजिट हो गया, रप्चर हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हुई, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है ये हमारी जो वो है ब्रेक हो गई। हार्डिंग ऑफ आर्टरी ऑफ वॉल मतलब हार्ड हो जाती है ये आर्टरी ऑफ वॉल, मतलब इलास्टिसिटी इसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसकी इस कंडीशन को हम आर्टेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, आर्टेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, सर्कुलेटरी डिसीज की बात करते हैं,
ये हमारी वॉल ऑफ आर्टरी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे पहले। ये क्या होता है, बीपी के प्रॉब्लम कब होते हैं, जैसे ब्लड पास हो रहा है हमारा, तो ब्लड जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर, उस दौरान क्या होता है, जो हमारी वॉल ऑफ आर्टरी पे ब्लड जो है प्रेशर देने लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है वो, समझ रहे हो। तो उसको क्या, वो जो नॉर्मल जो बीपी का लेवल होता है वो हमारा 120 डिवाइड बाय 80 होता है, 120 हमारा सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन वाला होता है, डायस्टोलिक रेस्टिंग 80 होता है, ठीक है। उसके बाद स्फाइग्मोमैनोमीटर जो एक हमारा आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट डॉक्टर्स रखते हैं, मतलब हमारे एक हाथ पे जो है एक पट्टी सी बांध देते हैं जिससे बीपी को जो है मेजर करते हैं वो। ओल्ड एज में बीपी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है क्योंकि आर्टरी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ब्रेन, हार्ट और किडनी बीपी से अफेक्टेड ऑर्गन है ये, मतलब ये ऑर्गन बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं जब बीपी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये एथेरोस्क्लेरोसिस का ही एक जो है एग्जांपल है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसमें डिपोजिशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम वगैरह का, और जिसकी वजह से ल्यूमन जो है आर्टरी का नैरो होता है। हाइपोक्सिया, ब्लड सप्लाई रिड्यूस, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई होती है हार्ट मसल्स को, चेस्ट पेन होता है किसकी, फैट के डिपोजिशन के कारण, एंजीना पेक्टोरिस जिसे हम एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं, इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल्स, हार्ट अटैक जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर कई बार कि MI अटैक आ गया, तो वो हार्ट अटैक ही होता है जिसमें ब्लड वेसल्स जो है ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। क्यों, सडनली डेथ ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है जिस वजह से हमें हार्ट अटैक की जो है प्रॉब्लम होती है। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट, देखो हार्ट अटैक तो था ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई। हार्ट फेलियर होगा जब ब्लड जो है इफेक्टिवली पंप ही ना कर रहा हो ब्लड को, ठीक है, ठीक है, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट जब ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर रहा, ऐसे नोड जिसमें नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, ऐसे नोड वर्क प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो ब्लड जो इफेक्टिवली पंप नहीं होगा पूरी बॉडी में और या फिर हार्ट तक, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। कार्डिक अरेस्ट की बात करें जिसमें हार्ट रेट जीरो हो जाता है, मतलब ECG से पूरी फ्लैट दिखती है ना वो कंडीशन, कार्डिक अरेस्ट आ गया, हार्ट रेट बिल्कुल जीरो। कंजेस्टिव लंग फेलियर होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जब हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट मतलब लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला सिस्टम वो काम अच्छे से ना कर रहा, तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लंग्स में एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है। अब भाई लंग्स जो है लेफ्ट आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करती हैं, अब भाई लेफ्ट साइड ही हार्ट की अच्छे से काम नहीं कर रही तो लंग्स में वो ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूरा ब्लड ले नहीं पा रहे हैं तो एक्यूमुलेट ब्लड होता रहेगा जिसकी वजह से कंजेस्टिव लंग फेलियर हो जाता है। हार्ट ब्लॉक क्या होती है, इम्पल्स कंडक्शन पाथवे ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, जो इम्पल्स कंडक्शन पाथवे है हमारा वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।